हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हॉरिजॉन। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ एक, मैंने आप जैसा आप देख पा रहे हो ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है, संजीवनी सीरीज है ना, ऑल इन वन। इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज है, सबसे पहले इस सीरीज की खास बात बताता हूँ। इस सीरीज में क्या करूँगा मैं, ठीक है ना, इस सीरीज में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा क्या कि इसमें साइंस के पहले लिखूँगा, साइंस साइंस के अपलोड करूँगा, ठीक है ना। साइंस के वो टॉपिक्स अपलोड किए जाएंगे यहाँ पे, जो क्या हो तो बेसिक बहुत जो होते हैं ना टॉपिक, जिसके वजह से आपसे क्वेश्चन प्रॉब्लम फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे बेसिक टॉपिक को मैं एकदम एक एक टॉपिक कंसीडर करके और उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। आप लोग इस संजीवनी सीरीज को जरूर देखें, ठीक है ना। संजीवनी सीरीज ऑल इन वन का मतलब इसमें हर वो सब्जेक्ट होंगे जो जिसके बेसिक टॉपिक आपको होंगे, इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा अपने चैनल पे, और आप वहाँ पे साइंस देख पाओगे, ठीक है। साइंस के साथ मैथ्स देखोगे, मैथ्स की भी छोटे छोटे ट्रिक्स जो आपके बेसिक होते हैं, जिसमें आपको दिक्कत आ जाती है बेसिक आइडियाज़ में, और आगे जाके भी क्वेश्चन में दिक्कत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। बेसिक जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं जहाँ पे दिक्कतें आती है, उसको सबसे पहले जानते हो आप लोग, जो भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो उसके पीछे के बेसिक मुझे नहीं पता होते, जिसके वजह से वो हम लोग को समझना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो उसी बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं टॉपिक वाइज पहले मैं साइंस को ले रहा हूँ, और ख़ास करके साइंस के बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो पहले मैं साइंस के टॉपिक को ले रहा हूँ, फिर इसके बाद मैथ्स के टॉपिक को उठाऊँगा, ठीक है। आप लोग जैसा आप लोगों को लेक्चर लगेगा, आप लोग उस टॉपिक का नाम लिखना और मैं उस टॉपिक को पहले कराते जाऊंगा, नहीं तो मेरी ये सीरीज मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली सीरीज जो मैंने साइंस का लिया है वो है आयंस, ठीक है। जैसा कि आपको टेक पर देख पा रहे हो, साइंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है आयंस क्या है, है ना। एटम्स तो सभी लोग जानते हैं, एटम्स सभी लोग जानते हैं एटम्स क्या होते हैं, राइट। तो एटम्स क्या होते हैं आप जानते हो, एटम्स जो होते हैं ना एक टेनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं जिसे कोई डिवाइड भी डिविजिबल नहीं होता है, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते उसको, है ना, तोड़ा नहीं जा सकता। वो सारे क्या है आपके, आपको वो है आपके एटम्स है, राइट। अब यहाँ पे एक टॉपिक है मेरे पास, जो टॉपिक है आज का वो है आयंस। आयंस क्या होता है, तो आप देख पा रहे हो डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि आयंस आर एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट बियर्स वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस, वन और मोर पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस, वही है हमारे क्या आयंस है, ठीक है ना। तो आयंस में, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जिसमें होते हैं तो वो हमारे क्या है आयंस है, ठीक है। ये देखता हूँ मैं, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए। तो दूसरा है, दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा इसी में एक और डेफिनेशन मैंने लिखा है, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि आयंस आर ए एटम दैट कंटेन एन अनइवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच रिजल्ट इन एन ओवरऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी एटम में, जब एटम तो क्या होता है, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जैसा कि आप जानते हो, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर बराबर हो जाए तो मैं क्या बोलूँगा कि ये न्यूट्रल है, राइट, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल। बट जैसे ही अनइवन नंबर ऑफ, मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है अगर प्रोटॉन्स के, तो मैं क्या बोलूँगा बताओ कि ये क्या है आपके, अगर इन इक्वल हो गए तो फिर क्या क्रिएट होता है, तब वहाँ पे क्रिएट होता है क्या आयंस, ठीक है, राइट। तो आयंस क्या होते हैं कि एक फॉर्मल चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेज होते हैं, एक जैसे कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें अनइवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, टाइप क्या है, टाइप ऑफ आयंस ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन को पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, एनायन को नेगेटिव चार्ज कहा जाता है, ठीक है, राइट। कैटायन की अगर मैं बात करूं, इधर देखो, अगर कैटायन की बात की जाए तो कैटायन आर एटम्स डेट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, मैंने जैसा कि ऊपर बताया है
कि कैटायन जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। दूसरी, इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है कि द पॉजिटिव चार्ज इज अ रिजल्ट ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब, यहाँ ध्यान से देखना, मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर होंगे, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी किसी भी एटम में, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज कैटायनिक एटम, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये होता है पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, एक लिथियम आयन लिया है, लिथियम आयन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर रहा, देख पा रहे हो आप, ये लॉस कर रहा है, तो ये क्या बन जाता है, इसकी फुल फिल हो जाती है ऑक्टेट, तो यहाँ क्या बचता है, एक प्लस चार्ज लग जाता है, जो लॉस करता है वो क्या हो जाता है, फुल फिल हो जाता है। तो देखो जरा यहाँ पे लिथियम पे, तो इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई। सिमिलरली इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस टू, सोडियम प्लस वन, ठीक है, ऐसे के प्लस वन, ये सब क्या है, केटायनिक फॉर्म है, ठीक है, राइट। अच्छा, केटायन जो होते हैं ना, ये सभी नोबल गैस की तरह बिहेव करते हैं, किसकी तरह बिहेव करते हैं, नोबल गैस, गैस की तरह बिहेव करते हैं। अब गैसियस क्यों है, ये गैस क्यों होती है, तो मैं नोबल गैस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम को, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ध्यान से देखो, मैं इस फॉर्म में बदलना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम ने क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया, किसको दे दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास क्या बचेगा। तो मैं अगर बात करूं, ध्यान से देखना, यहीं पे बता दो, तो इस पिक्चर में ध्यान से देखना, ठीक है, इस पिक्चर में ध्यान से देखना, इसी पिक्चर को मैं फिर से बताता हूँ। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फिलहाल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब इसके पास क्या बचेगा, लिथियम के पास कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यहाँ पे लिथियम के पास कितने थे, 3 थे, तो अब 2 हो गए, इसका मतलब इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई, देखो पूरी ऑर्बिट फिल हो गई, इसका के सेल के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ठीक है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए एक प्लस चार्ज, ठीक है, इस तरीके से, और इसकी वैलेंसी पूरी होगी, अब इसकी वैलेंसी पूरी होगी क्योंकि लिथियम डुप्लेट को पूरा करता है। सोडियम को फॉर एग्जांपल, सोडियम की बात करूं, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये बन जाता है Na+, ठीक है, तो Na+ बन गया, तो Na+ पहले कितना था, 2 और 8 और 1, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देता है तो इसके पास क्या बच जाता है, 2.8, ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। तो देखिए ये था आपका, ये था आपका केटायन, ठीक है। एनायन में आ जाओ, एनायन क्या होता है, एनायन आर सेम वही चीज, एनायन आर एटम दैट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इज द रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ कन्वर्ट, तो मैं फिर से यहीं पे लिख देता हूँ वही चीज, इसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। अब ये देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये हमारा न्यूट्रल एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है ना, ये हमारा न्यूट्रल एटम है, ये 2 पार्ट में बटे, अगर ये आयन लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन को तो ये बन जाता है केटायन, अगर ये आयन, ये एटम अगर गेन करता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एनायन। एनायन की एग्जांपल लिख लेंगे, एनायन की एग्जांपल जैसे Cl- है ना, O2-, ये सब क्या है, एनायनिक फॉर्म है, एनायंस बना रहे हैं, राइट, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज को बताता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है आयन के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है, अच्छा इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, पहला कि आयन इन देयर गैसेस गैस लाइक स्टेट एंड हाईली रिएक्टिव एंड विल रैपिडली इंटरेक्ट विद आयन ऑफ अपोजिट चार्जेस टू गिव न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना, आप लोग पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई भी 2 अपोजिट आयन होंगे,
अपोजिट आयन होंगे, जैसे मैंने बोला HCCl पे माइनस आयन है, राइट। तो ये दोनों जब आपस में निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव आपस में इंट्रैक्ट करेंगे, ये इससे और ये इससे करेगा इंट्रैक्ट, तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनाएगा जिसका नाम है HCl। कैसे बनाएगा जरा ध्यान से देखें। अगर मैं H पे प्लस आयन और Cl पे माइनस आयन लिख दूँ, तो निगेटिव और पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे प्लस वन, यहाँ माइनस वन, निगेटिव और पॉजिटिव हमारे न्यूट्रल हो जाएंगे, प्लस वन इसके पास और माइनस वन इसके पास क्रॉस मेथड से। तो मैं क्या बोलूँगा कि H के पास एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो HCl, तो ये कंपाउंड बन जाता है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बन गया, ठीक है। तो एक चीज़ और पता चली कि कैरेक्टरिस्टिक में, कि अगर मेरे पास आयंस रहेंगे तभी मैं कंपाउंड बना पाऊंगा, एक न्यूट्रल कंपाउंड, राइट। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखना। दूसरा है कि आयंस आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन अ लिक्विड और सॉलिड स्टेट व्हेन सॉल्ट इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया क्या, अगर यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर एक प्रोड्यूस, कोई भी ध्यान से देखना, अगर बोल रहा है कि आयंस आर आल्सो प्रोड्यूस अ लिक्विड और सॉलिड, आयंस सॉलिड और लिक्विड दोनों में प्रेजेंट, लिक्विड ध्यान से सुनना, आयंस जो है ना, आयंस ये लिक्विड और सॉलिड दोनों से प्रोड्यूस हो सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड दोनों से प्रोड्यूस हो सकते हैं। कब? जब इन दोनों का इंट्रैक्शन किसके साथ हो जाए, जब इन दोनों का इंट्रैक्शन किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, सॉल्ट इंट्रैक्ट विथ सॉल्वेंट, किसी भी वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन या एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर के साथ मिला देंगे तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कराएंगे तो एक्वस मीडियम में ये क्या करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस सॉल्वेटेड आयन, इस तरीके के आयन को क्या बोलते हैं, अगर सॉलिड लिक्विड से प्रोड्यूस होगी तो इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड आयन, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो वहां से भी आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर आयन आर अट्रैक्टेड, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आयंस अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज, चाहे इलेक्ट्रिकल चार्जेस या तो पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, एंड रिपेल बाय द लाइक चार्ज। अभी इसका मतलब समझ लो, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में ये इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर नेगेटिव है और नेगेटिव है या पॉजिटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे जो मैंने बोला, यहाँ पे जरा देखना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमें क्या शो करेगा, रिपल्सन शो करेगा, रिपल्सन, ठीक है ना, रिपल्सन, ठीक है ना, इस तरीके से याद रखना। तो इसको बोलते हैं लाइक चार्ज, मतलब अगर सेम चार्ज हो, सेम चार्ज होते हैं तो उसे हम लाइक चार्ज कहते हैं, सेम चार्जेस को हम क्या कहते हैं, लाइक चार्ज कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम चार्ज को लाइक चार्ज कहा जाता है, अपोजिट चार्ज को अनलाइक चार्ज कहा जाता है। अपोजिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, अनलाइक चार्ज कहते हैं, अनलाइक एक चार्ज कहते हैं, ठीक है ना, अनलाइक चार्ज कहते हैं, याद रखना ये चीजें। तो ये था आपका यहाँ तक लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी तो जो मैंने आपको आपके सामने बताया, ठीक है। अब देखना कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, रिपल्सन और अट्रैक्शन भी आपको पता चल गई। अब मेरे को ये बताना है कि कौन कौन से हमारे क्या होते हैं, ये जो मैंने आपको टेबल यहाँ पे एक देख रहे होंगे आपको, ये टेबल है मोनोएटॉमिक आयंस की, ठीक है ना। तो अब देखना, मोनोएटॉमिक आयन में आप देख पा रहे होगे
यहाँ पे देखो जरा गौर से, लिथियम, सोडियम, ये सब क्या है? ये सब आयनिक फॉर्म में लिखे गए हैं, देख रहे हो? ये +2 आयन वाले हैं जिस पे लिखा हुआ है +2, ये +2 आयन वाले, ये +1 आयन वाले। तो एक चीज आप गौर करके देख रहे हो कि इस पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप वाइज चल रहे हैं, तो इस ग्रुप में क्या कोई भी चार्ज आयनिक कैटायन चेंज हो रहे हैं क्या? उनके चार्ज चेंज हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। देखो इसमें भी प्लस है तो प्लस, इसलिए याद रखना इस फॉर्मल चार्ज को एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो थ्रू आउट द ग्रुप कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। आगे देखो, ये देखो ग्रुप डी के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने बच्चे हैं वो ध्यान से समझ सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये कौन से पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ? मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है ये। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। आप देखो यहाँ पे आयनिक फॉर्म में एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे जितने भी हैं ये सब मोनो एटोमिक आयन है जो कंपाउंड बनाने में हेल्प करते हैं, राइट? अब इसके नीचे देखो कुछ और भी पॉली एटोमिक आयन से। पॉली एटोमिक का मतलब क्या होता है? पॉली एटोमिक, अगर किसी की एटोमिसिटी, ध्यान से सुनना, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी अगर 1 है तो आप याद रखना, पहली चीज तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी क्या होती है। तो एटोमिसिटी, एटोमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवेन कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, गिवेन कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, राइट? तो ये हो गई हमारी एटॉमिसिटी। अगर एटॉमिसिटी ये है तो अगर एटॉमिसिटी को मैं ए से डिनोट करता हूँ, अगर ए एटॉमिसिटी 1, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला सोडियम, ठीक है ना, तो ये मोनो एटॉमिक हो गया, राइट? अगर एटॉमिसिटी 1 तो इसे कहेंगे मोनो एटॉमिक, क्या कहेंगे इसे? मोनो एटॉमिक। अगर ए की वैल्यू 2 हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा इसको? डाया एटॉमिक, डाया एटॉमिक, ठीक है ना, याद रखना। और इसके एग्जांपल जैसे Cl2, O2 फॉर एग्जांपल, ये सारी चीज़ें क्या है? डाया एटॉमिक है, राइट? अगर मैं बोलूँ ट्राया एटॉमिक, यानी एटॉमिसिटी इसकी क्या हो जाएगी? अगर 3 हो गई तो मैं बोलूँगा इसे ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, राइट? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, ये सारे क्या है? ट्राई एटॉमिक। अगर एटॉमिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए तब मैं इसे बोलूँगा पॉली एटॉमिक। आप सुनो, जब एटॉमिक सिटी आपको पता चल गई तो आप जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं इस पे आयन रिप्रेजेंट कर दूँ तो यही पॉली एटॉमिक आयन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जरा देखो यहाँ पे, है ना, ये इसमें बहुत सारे पॉली एटॉमिक आयन दे दिया, जैसे नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट भी कितने आयन है देखो, एटम है, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहे हैं? पॉली एटॉमिक आयन कितनी होती है? -1। तो ये जो पॉली एटॉमिक आयन्स के जो टेबल देख रहे हो और मोनो एटॉमिक आयन्स के जो टेबल देख रहे हो आप ऊपर, ये आपको किस में हेल्प करेगी? तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी यूजेस बता देता हूँ कि यूज ऑफ आयन्स क्या होते हैं। यूज ऑफ आयन्स, तो जरा देखना, यूज ऑफ आयन्स हमें क्या हेल्प करते हैं, ठीक है? पहली चीज़ कि ये हमें केमिकल फॉर्मूला, इट हेल्प टू फॉर्म केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना, केमिकल फॉर्मूला बनाने में भी यूज किया जाता है और कमर्शियल यूज में भी यूज करते हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी बनाने में यूज किया जाता है ना। तो ये क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लोग बैटरी बनाने में, कमर्शियली यूज करते हैं, ठीक है? ये सब ज्यादातर हमारे आयन्स क्या होते हैं? यही होते हैं, ठीक है? तो आगे देखते हैं कुछ। तो ये इतने थे हमारे, केमिकल फॉर्मूला बनाने में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे आयन गैसियस होते हैं, कुछ बैटरी बनाने में यूज किए जाते हैं, सेल बनाने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, राइट? तो ये था आज का आयन्स का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आयन्स है पूरी आयन्स की, और इसकी मैंने PDF डाल रखी है, ध्यान से सुनना कि इसकी PDF मैंने डाल दिया है वहाँ पे, कहाँ पे? आपके लर्निंग हॉरिजॉन टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे, ठीक है ना, याद रखना, टेलीग्राम पे चैनल है लर्निंग हॉरिजॉन, लर्निंग
हर जोन पे, ठीक है ना। जिन बच्चों को चाहिए वो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसी नाम से। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, संजीवनी सीरीज ऑल इन वन लेक्चर वन। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा। अगर आपको आपको अच्छा लगे सीरीज तो आप कमेंट करना और बताना कि आपको और नेक्स्ट कौन सी बेसिक की सीरीज चाहिए जो आपको नहीं समझ में आती, ऑल इन वन कोई भी सब्जेक्ट का, यानी मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, कुछ भी हो, जो भी हो, आप वहाँ पे उस टॉपिक को लिखना और उस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। इस संजीवनी सीरीज में आपको इस सीरीज का एक ही मकसद है कि आपकी जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग करना। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कर रहा हूँ, राइट। बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए इससे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को आयंस पता ही नहीं है, है ना। तो उनको क्या होता है कि फॉर्मूले बनाने में या केमिस्ट्री को समझने में बिल्कुल दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, आप लोग जरूर इसको देखना और सीरीज को शेयर कर